अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई आप लोग के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी इडली की रेसिपी, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी बिना सोडे के हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं भिगा लूँगी पहले चावल। तो मेरे लिए इडली का चावल, इसको उकड़ा चावल भी हम कहते हैं, 3 वाटी चावल ली हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मेथी दाना, और इसको मैं वॉश करके मैं इसको भिगा के रख दूँगी। मैं इसको भिगा रही हूँ दोपहर में। अगर आप दोपहर में भिगा रहे हो तो आप शाम में पीसो, वरना आप इसको शाम में भिगा रहे हो, रात में भिगा रहे हो तो आप इसको सुबह पीस सकते हो। और मैं फिर दूसरी पतीली में ली हूँ मैं दाल, मूंग दाल ली मैं वही वाटी से, मूंग दाल ली मैं 1 वाटी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल, चना दाल जो भुनी हुई रहती है, ये चना दाल मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के करीब, और इसको भी हम वॉश करके भिगा के रख देंगे ताकि दाल एकदम से फूल जाए। और मेरी जो दोनों दाल थी मैं भिगा ली थी, तकरीबन मैं इसको 7-8 घंटा भिगा के रखी थी, और आप देख सकते हो एकदम से फूल गई है। तो मैं चावल को पीस लूँगी, पहले हम अलग अलग पीसेंगे। तो मैं चावल को एकदम बारीक से पीस लूँगी। तो मैं चावल को पीस ली हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसको रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है ना ज़्यादा थिक रखना है, इस तरीके से पीसना है। अब मैं इसी तरीके से दाल भी पीस लूँगी। और चावल दोनों पीस चुकी हूँ। अब जो बासी चावल रहेगा हमारा बचा हुआ, हम थोड़ा सा वो ले लेंगे, उसको भी पीस लेंगे एकदम बारीक इस तरीके से। अगर आपके पास बचा हुआ चावल ना हो तो आप पोहा भी इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, पोहा धो के भी आप पीस सकते हो। फिर इसको एकदम अच्छे से हम एक ही साइड चलाएंगे, एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमको थोड़ा सा ठीक लगेगा तो हम इसे पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा हमको इसको पतला नहीं रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, और बिना कोई सोडा बिना कोई बेकिंग पाउडर के हम इसको ढक्कन ढक के गर्म जगह पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 घंटे के लिए, ताकि जिसमें एकदम अच्छे से खमीर हो जाए। तो इससे हमको इसमें बिल्कुल भी सोडा बेकिंग पाउडर ये सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छे से खमीर हो जाएगा। हम इसको रख देंगे और इसको हिलाएंगे डुलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांभर, तो उसके लिए मैं ली हूँ उड़द दाल, चना दाल 1 कप के करीब है। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दी हूँ 1 टमाटर, हल्दी, इसको मैं रख दूँगी गलने के लिए तकरीबन 2 सीटी फास्ट पे, 5 मिनट के लिए सीलो पे, ताकि जो दाल एकदम अच्छे से गल जाए पानी डाल के। मैं 1 गिलास पानी इसमें ऐड किए थे। और फिर उसके बाद मैं ली हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची, आधा टमाटर, 3 से 4 लहसुन और दुधिया आदि। फिर मैं ली थी 1 टोप, टोप में मैं डाल लूँ, टोप गर्म कर लूँगी, उसमें मैं डाल दूँगी तेल 1 टेबल स्पून के करीब। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सूखी लाल मिर्च अक्खी वाली। फिर जीरा ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन, जो हम बारीक बारीक काट के रखे थे, मैं इसको 3 से 4 कली ली थी लहसुन, उसको बारीक से काट ली। फिर वो ऐड करके 1 मिनट इसको भून लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज, जो हम काट के रखे थे बारीक प्याज। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का से ही हम इसको ब्राउन करेंगे, ज़्यादा इसमें इसको ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी टमाटर, मैं टमाटर डालते वक्त वीडियो लेना भूल गई थी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और इसको हम चला लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, बुके मसाले, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बताती हूँ मैं क्या क्या ली थी। तो बुके मसाले में मैं ली हूँ सुहाना का सांभर मसाला 2 टेबल स्पून के करीब, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बुकी लाल मिर्ची 1 टीस्पून के करीब, और हल्दी 1 टीस्पून के करीब। सांभर मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सुहाना करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में मसाला ऐड करने के बाद में थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, और इसको हम धीमे आंच मसाले को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दुधिया, जो हम काट के रखे थे। दुधिया ऐड करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गुड़, गुड़ आप जितना आपको मीठा चाहिए आप उस हिसाब से रखिएगा, डालिएगा गुड़। तो मैं गुड़ डाल रही हूँ, अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इस टाइम पे शक्कर भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ इमली, आप जितना खट्टा रखना चाहो उस हिसाब से इमली डालिएगा। फिर मैं ये सब डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 गिलास पानी, और फिर हम इसको थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। पहले एक बॉईल फास्ट पे हम रखेंगे ताकि एक बॉईल आ जाए, उसके बाद हम गैस को कर देंगे सीलो, और 5 मिनट के लिए एकदम अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे, ताकि जो है एकदम अच्छे से पक जाए दुधिया वगैरह। और यहाँ पे दाल एकदम अच्छे से गल चुकी थी, आप देख सकते हो। फिर मैं उसी के अंदर ऐड कर दी हूँ दाल। दाल ऐड करने के टाइम हम ऐड करने के बाद इस टाइम पे हम नमक चीक लेंगे, और उसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए।
तो फिर मैं रख देती इडली के साथ में पानी थोड़ा सा, ताकि जो पानी गर्म हो जाए, और आप ये देख सकते हो कितना अच्छा आटे में खमीर हुआ है बिना कोई सोडा बिना कोई बेकिंग पाउडर के। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून के करीब, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर इसको तुम अच्छे से तकरीबन हमको 5 से 6 मिनट के लिए एक ही साइड से हम इसको अच्छे से देख लेंगे इस तरीके से, इसको हम देख लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और जो ये हमारा इडली का बैटर एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, आप इसे डोसा भी बना सकते हो, इडली भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा गाढ़ा और गाढ़ा है तो आप इसे थोड़ा सा पतला करके इसको डोसा बना सकते हो। तो मैं इडली के साँचे में तेल लगा के पहले ही रख चुकी थी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बैटर जो हम बनाए थे इडली का। इस तरीके से मैं पूरी में रिफिल कर लूँगी और फिर मैं इसको रख दूंगी, क्योंकि हम साँचे तो पहले ही रख चुके, पानी गर्म हो चुका है। फिर मैं इसको रख दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको भाप लगाने के लिए रख देंगे, ताकि जो इडली अच्छे से हो जाए, कच्ची ना रहे। और इडली हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो कितना मस्त है, फूली है, कितना अच्छी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हुई है। और फिर इसके बाद में एक साथ हम बना लेंगे खोपरे की चटनी। तो उसके लिए मैं ली हूँ खोपरा, कोथमीर, डालिया दाल और लहसुन मिर्ची। डालिया दाल में ली हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून करीब। फिर उसको एकदम बारीक सा पीस ली थी पानी डाल के। फिर एक टोप ली, उसको मैं कर ली हूँ गर्म। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तेल। तेल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब राई। अगर आप जीरा डालना चाहते तो आप जीरा भी डाल सकते हो। तो मैं राई ऐड कर दी हूँ, राई को हल्का सा हम चटकने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कड़ी पत्ता। तकरीबन कड़ी पत्ते की पत्ते हमको 10 से 20 लेनी है, अच्छे ज़्यादा डालेंगे ताकि इसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए कड़ी पत्ते से। तो मैं कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर दी हूँ। फिर इसको हल्का सा चटकने देंगे, फिर गैस को हम बंद कर देंगे। गर्म गर्म हम खोपरे की चटनी जो हम पीसे वो नहीं डालेंगे। गैस बंद करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चटनी और उसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। फिर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि वो दोनों चीज़ में भी नमक है।